नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम छोला छाप डॉक्टरों का आतंक। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर की, जहां 2009 में मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, लेकिन असलियत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पर जो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि वहाँ मरीज इलाज करवाने क्यों नहीं जाते, जब हम उसकी पड़ताल करते हैं तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि सागर जिले में झोला छाप डॉक्टरों का न सिर्फ माया जाल बिछा हुआ है, बल्कि उनके दलाल इतने सक्रिय हैं कि मरीजों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचने ही नहीं देते। इन तमाम चीज़ों पर हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का स्वास्थ्य महकमा जो गहरी नींद में है, वह इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करे, नहीं तो जिस्मानी जिंदगी सागर में महफूज नहीं रहेंगी। हम बात करेंगे एक ऐसे मरीज की जो एक बीमारी से ग्रस्त था, जिसे झोला छाप डॉक्टर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वह मौत और जिंदगी की बीच झूल रहा है। इस तमाम रिपोर्ट को देखकर आप यकीन जानें कि झोला छाप डॉक्टर न सिर्फ इंसानी जिंदगी से खेल रहे हैं, बल्कि वो हमें सेहत से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस। कहते हैं मरीज के मर्ज की दवा डॉक्टर के पास होती है, अगर यही दवा मरीज के लिए जहर बन जाए तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, ऐसी एक खबर सागर जिले के जड़ुआ खेड़ा से है, जहाँ एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से एक युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दरअसल 18 अक्टूबर की तारीख में रामबाबू सेन निवासी तोड़ा गोमतिया अपने पिता मुन्ना सेन के साथ भगंदर की बीमारी के चलते बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर इलाज करवाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जरुआ खेड़ा थाना नरियावली में झोला छाप डॉक्टर सपन मिले, जिन्होंने इस बीमारी का सल्फिया इलाज करने की बात कही और रामबाबू के एक गलत इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ घंटों बाद रामबाबू की तबीयत बेहद खराब हुई। उन्होंने इसके बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से लेकर नागपुर तक इलाज करवाया, जहाँ रामबाबू के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। रामबाबू के पिता मुन्ना कहते हैं कि इलाज में मेरी तमाम जायदाद बिक गई। अब उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। डॉक्टर ने 730 को इंजेक्शन लगाया तो हमारे बच्चा की टट्टी पेशाब दोनों बंद हो गई जी। फिर हम ले गए सागर श्री ले गए, तो उन्होंने टट्टी पेशाब निकाली, ऑपरेशन की कहने लगे कि पैसे 50,000 लगे और गारंटी हम ले नहीं रहे। फिर हम लोग जैसे छुट्टी करवाई तो ले गए हम मेडिकल में, उनने 21 तारीख को ऑपरेशन करो रात में। फिर हम उसे 5-6 दिन रहे और उसे हमें आराम नहीं मिलो, सो फिर ले गए हम शर्मा की ना, हम 1.5 दिन रहे हैं उसे आराम नहीं मिलो, फिर ले गए हम भोपाल नागपुर माने अस्पताल। सो उसे हमें 9 दिन आराम मिलो, 10वें दिन हमने उसे छुट्टी करा के फिर ले गए हम एम्स, हमें एम्स में आराम मिला। फिर आपने सबकी शिकायत कहाँ पर की? सबकी शिकायत फिर हमने आन के उतर से हमने ये माने एसपी के करी। जब आप लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे तो क्या बोल रहे थे? डॉक्टर वो बोल रहे थे कि हम जूता मार के भगाएंगे। हमने बोली कि डॉक्टर साहब तुम देखो हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो गई, तुम माने देख भाई तक नहीं आए। सो बोले कि मैंने कुछ नहीं किया है, कही जो कुछ आपको करना हो सो कर दो मेरा। ये प्रशासन के निर्देश के बाद अब स्वास्थ्य जिला प्रमुख झोला छाप डॉक्टर सपन पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मेरे प्रत्येक ब्लॉक में बीएमओ के उसमें अपनी एक टीम गठित रहती है प्रत्येक ब्लॉक में। इसके अतिरिक्त सागर में भी सीएमएचओ के अधीन एक टीम है, डॉक्टर एम एल जैन है। जो जानकारी आपने दी है जरूर खड़ा के बारे में, झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मैं आज ही कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन सवाल फिर वही है, जब सागर में मेडिकल कॉलेज है तो लोग इन झोला छाप डॉक्टरों के साथ क्यों आ रहे हैं? सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की न्यूज़ की वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं
तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।